पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश का सदन चल रहा है। सदन में विधान परिषद के सदस्य गोपाल अंजान ने मुरादाबाद के कटघर स्थित अस्पताल के जीर्णोद्धार का मुद्दा आज सदन में उठाया। उन्होंने सदन में बोलते हुए कहा कि मुरादाबाद के कटघर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति ठीक नहीं है और आज भी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। नियम 115 के अंतर्गत सूचना देकर उन्होंने सवाल खड़ा किया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सा सेवा की अनदेखी की जा रही है। स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ चुका है। स्थानीय नागरिक इसके जीर्णोद्धार की मांग कर रहे हैं। उन्होंने विधान परिषद के सचिव के जरिए सदन में जनहित से जुड़े इस नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पुनः निर्माण कराने की मांग उठाई। विधान परिषद सदस्य राम गोपाल अंजान उर्फ गोपाल अंजान ने कहा कि क्षेत्र की जनता लगातार मांग कर रही है और उसका जीर्णोद्धार कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। सदन में मुद्दा उठने के बाद क्षेत्र की समस्या का जल्द ही निस्तारण होगा, ऐसी जनता को उम्मीद है। कुल सूचनाएं नियम 115 में 43 आई हैं, जिसमें से 6 सूचनाएं हम पढ़वा रहे हैं। पहली है श्री राम गोपाल उर्फ गोपाल अंजान, पढ़िए सूचना अपनी। महोदय, सन 1917 से स्थापित डिप्टी जगन्नाथ सिंह नगरीय स्वास्थ्य केंद्र कटघर मुरादाबाद के पुनर्निर्माण कराए जाने की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। उक्त स्वास्थ्य केंद्र के पूर्ण रूप से जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जिसके पुनर्निर्माण कराए जाने हेतु क्षत्रिय जनता द्वारा लगातार अनुरोध किया जाता रहा है और उक्त निर्माण कार्य न होने के कारण अभी भी कभी भी कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। उक्त स्वास्थ्य केंद्र में कई प्रकार के टीकाकरण, क्षय रोग निवारण केंद्र व अन्य रोगों का निवारण तथा उपचार किया जाता है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में गरीब असहाय मरीज स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करते हैं। किन्हीं कारणों से आज तक उपरोक्त चिकित्सालय का पुनः निर्माण नहीं हो पाया है। उक्त नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का पुनः निर्माण जनहित में कराया जाना आवश्यक है। अतः माननीय सदन के माध्यम से सन 1917 से स्थापित डिप्टी जगन्नाथ सिंह नगरीय स्वास्थ्य केंद्र कटघर मुरादाबाद के पुनर्निर्माण कराए जाने की मांग। शासन को आवश्यक कार्यवाही संदर्भित। दूसरी